सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। अभी मैं आ गया हूँ जयपुर। जयपुर से मुझे जाना है मुंबई, और मुंबई में शायद सर सैयद डे मनाया जा रहा है, तो वहाँ मैं जा रहा हूँ। उसमें मुझे इनवाइट किया है कुछ मेरे करीबी लोगों ने। इसी बीच में हम शाहजान से भी मिलेंगे, और जो वहाँ पे मुंबई के दोस्त हैं उनसे मिलेंगे। तो देखते हैं मुंबई का सफ़र कैसा रहता है। हर सफ़र के कुछ अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, जो मैं आपके साथ साझा करता रहता हूँ। मिलते हैं। गेट नंबर 3 का फ्लाइट है, और 2 बजे तो अभी टाइम है। आराम से बनना होता है, पराठे बांध के लाएँ। आ गए हैं बम्बई में शाहजान भाई के साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं नाश्ते का एहतमाम किया गया है। आ गए हैं मुंबई में, और अब जा रहे हैं अपने भाइयों की तरफ। हमारे साथ एक नए भाई जुड़े हैं जिनका नाम कबीर है, और ये बहुत बढ़िया जो है सिंगर है। इनके कारनामे बीच बीच में हम आपको दिखाते रहेंगे। तो बेशक बेशक। और कल तो आने के बाद बहुत मज़े किए, और लेकिन व्लॉग में उसको नहीं शूट कर पाए। मलाड स्टेशन चल गए। मुंबई लोकल में आपका स्वागत है। बड़ी मशक्क़त के बाद लोकल में बैठे हैं, और हमें सीट मिल गई। ये है सांता क्रूज, समझे? क्या इसी कहते हैं सांता क्रूज? हैं सांता मिलते हैं क्या यहाँ पे? 25 दिसंबर को मिलेंगे। सांता जो है ना, शांति ढूंढने गए हैं, समझे? जी हाँ। ट्विटर हल्का है ना, है ना? हाँ। तो अब तुम भी कुछ कह दो यार इसमें, इतने देर से हम लोग कर रहे हैं बस। भाई हम क्या ही कहें, मेरा सौभाग्य है कि मैं हैदर भाई के साथ आज अरे इतने बड़े इवेंट पर आया हूँ। कर दिया ना। तो ये हमारा आज का वेन्यू है। तो इसमें कुछ तो लोचा है इसमें भाई, कैमरे में क्या हो गया? आइए कबीर भाई। बस उस टाइम वो NRC का मूवमेंट चल रहा था, और PhD का फ्रस्ट्रेशन। तो ये हमारे शमीम भाई हमें मिल चुके हैं, और ये क्रांति जो है अब अलीगढ़ तक पहुंचेगी। हैं अब्दुल हमीद भाई, आप कुछ कहेंगे सरप्राइज पे? सरप्राइज ये है कि अभी मैं प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, और डॉक्टर अब्दुल हमीद से मैंने जिक्र किया कि यार हैदर सैफुल्ला को बुला लिए होते, और मैं जब बिल्डिंग से बाहर निकल के देखता तो डॉक्टर हैदर सैफुल्ला मेरे सामने खड़े होते। मतलब मैं शॉक्ड हो जाता हूँ, और खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहता। ये मसरूर भाई ने मुझे जो है 3 दिन पहले कॉल कर दिया था कि आपको आना है। अच्छा। और मैं कल रात को आ चुका था। अच्छा, कल रात में आप आ चुके हैं, कहाँ रुके हुए? मैं मलाड में, शाहजान मुजीब उसके पास रुका। बहुत बढ़िया।
तो मैंने कहा खैर मकदम है और अलीगढ़ वालों की इतनी बड़ी महफिल लगी है तो कहीं तो पहुंचे, पहुंचना तो जरूरी है। इनसे मिली हैदर है, इन्होंने अलीगढ़ से पीएचडी किया। फाइनली हम वेन्यू पर पहुंच गए हैं और अब प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। अलीगढ़ की ईद जो कि मुंबई में मनाई जा रही है, और अभी मैंने आपको दिखाया कि मुंबई के अंदर भी अलीगढ़ वाला एक फील क्रिएट करने के लिए मटरी और चाय का इंतज़ाम किया गया, विच इज़ वेरी फेमस ऑन द ढाबाज ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एंड एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया जिस पर अलीगढ़ की सबसे फेमस तारीखी बिल्डिंग जिसका नाम स्ट्रेचिंग हॉल है वो है, वहाँ पर आप फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। बहरहाल हमें बुलाया गया है जिस काम के लिए, परफॉर्म करने के लिए, तो हम उसके लिए तैयार हैं। और इंशाल्लाह शायद मैं वीडियो नहीं बना पाऊँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में आप तक वो वीडियो पहुँच जाएगी। और आई एम हाईली थैंकफुल टू दिस गाय मिस्टर कबीर, ही इज़ अ वेरी गुड एंड फेमस सिंगर एंड बहुत ही ज़बरदस्त ये गाते हैं। आप जब व्लॉग देख रहे होंगे तो एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मेरी फ्रेंड लिस्ट में है कबीर नाम से, आप जो है इनका गाना देखिएगा ज़रूर। टोपी होनी तो चाहिए थी, लेकिन लेकिन मुंबई में आके किसी को पहना दी अब मेरे पास ही तो बहुत जरूरी था। मैं भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, गुजारिश करूंगा कि ऊपर तशरीफ लाए जनाब अब्दुल्ला साहब। जनाब जमशेद साहब से दरख्वास्त करूंगा डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक एचओडी यहाँ स्टेज पे तशरीफ लाए। चलिए हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इट्स टाइम टू लीव मुंबई आफ्टर कंप्लीटिंग द शो एंड मीटिंग विद शाहजान आरुष एंड कबीर। फाइनली आई एम लीविंग फॉर होम और मैं ट्रेन से जा रहा हूँ दुरंतो एक्सप्रेस, और मैं पहुँचूँगा सवाई माधोपुर कल। तो इस ब्लॉग की एंडिंग हम इसी में करते हैं। Shit!